तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इन्फिनिक्स नॉट S3 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि एक सेल्फी सेंटर स्मार्टफोन है और यहाँ पर आपको फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का लो लाइट सेंसर वाला कैमरा देखने को मिलता है, जो कि फ्रंट कैमरा से अच्छी खासी सेल्फीज आपको क्लिक करने के लिए देने वाला है। तो यहाँ पर मार्केट में ओप्पो व्यू को अच्छी खासी टक्कर देगा ये फोन। लेकिन यार कुछ भी कह लीजिए आप, फोन कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इवन आप आईफोन 10 भी ले लीजिए, उसमें भी कोई ना कोई ड्रॉबैक्स है, उसमें भी कुछ कॉन्स है, उसमें भी कुछ मतलब खामियां हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इन्फिनिक्स S3 के कॉन्स के बारे में, क्या उसमें खामियां हैं, अगर आप इस फोन को खरीदने जा रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या आपको इसमें कुछ खराब मिलेगा, क्या आपको इसमें अच्छा मिलेगा, इस वीडियो में आपसे इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो मेरा नाम है प्रताप और मिस्टर वी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। जो कि मतलब अगर आप एक एवरेज यूजर है तो यहाँ पर कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी स्पेसिफिकेशन 720p डिस्प्ले देखने के बाद जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पर जो है आपका मन खराब हो सकता है 720p डिस्प्ले सुन के। और अगर आप गौर से स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी नहीं मिलेगी, स्क्रीन पर देखने के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे कलर्स रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ जो अगली इसकी खामियाँ थी वो भी डिस्प्ले के बारे में ही आती है। तो यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले 18:9 का काफ़ी बड़ा अच्छा खासा डिस्प्ले मिलता है 720p रेजोल्यूशन के साथ, लेकिन यहाँ पर जो आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। हालाँकि इस प्राइस रेंज में जो आपको मतलब स्क्रीन प्रोटेक्शन तो मिलती है, एटलीस्ट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 तो मिलता ही है, लेकिन इस फ़ोन में आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी गई है फ्रंट में मतलब स्क्रीन में। तो यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, यहाँ पर जो अगर आपका फ़ोन गिरता है तो स्क्रीन बहुत जल्दी शटर हो जाएगी, टूट जाएगी, चटक जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा आप फ़ोन खरीदने जा रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ जो अगली खामी आती है इस फ़ोन की वो आती है यहाँ पर इसके पीछे बैक में या मतलब बॉडी को लेकर। यहाँ पर जो बॉडी है वो आपको देखने मिलती है प्लास्टिक बॉडी, लेकिन इस प्राइस रेंज में Xiaomi जैसे ब्रांड्स आपको देते हैं फुल यूनि बॉडी मेटल डिज़ाइन, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, आपको फील अच्छी मिलती है, हाथ में पकड़ने में काफ़ी अच्छे रहते हैं फ़ोन फुल मेटल बॉडी डिज़ाइन वाले। लेकिन यहाँ पर ये जो मतलब है फ़ोन वो आपको प्लास्टिक बॉडी के साथ मिलता है, जो कि बैक में अच्छी फील आपको नहीं देगा, हैंड में प्रीमियम फील नहीं देगा। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो बेशक यार इस फ़ोन को खरीद सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है ये। फ्रेंड्स यहाँ जो अगली जो आती है इस फ़ोन में खामी, जो लास्ट खामी है जिसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो है यहाँ पर इसके प्रोसेसर को लेकर। तो जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है वो बोलता है Qualcomm Snapdragon 430। अच्छा है, आप Qualcomm नाम सुनते ही मतलब मज़ा आ जाता होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको Qualcomm Snapdragon 430 देखने को मिल रहा है, 430 पे ध्यान दीजिए प्लीज़। ये जो प्रोसेसर है वो मिलता है आपको 2 साल पुराना, जिसमें कि आपको मतलब कोई ज़्यादा अच्छी डाउनलोडिंग इंटरनेट स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड और यहाँ पर रैम मैनेजमेंट भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर अगर वो किसी भी तरह मैनेज करके 435 दे तो यहाँ पर जो थोड़ा बेटर होता, क्योंकि वो उससे थोड़ा बढ़कर है और इस प्राइस रेंज में काफ़ी स्मार्टफोन्स जो है इस प्रोसेसर को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर 430 आपको 2 साल पुराना मिलता है, तो यहाँ पर मतलब स्पीड वगैरह आपको मॉडर्न की स्पीड ज़्यादा अच्छी ना मिले तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा फ़ोन को बाय करते वक्त। तो फ्रेंड ये थे इस फ़ोन के बारे में कुछ खामियाँ, आई होप इन खामियों का आप ध्यान में रख के इस फ़ोन को ख़रीदेंगे। और मतलब मेरा मिक्स ओपिनियन ये है कि फ़ोन मतलब ओवरऑल प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, कैमराज आपको अच्छे मिलते हैं फ्रंट में, 30-20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पर सेल्फी में फ्लैश भी आपको देखने को मिलता है, लो लाइट सेंसर भी हैं यहाँ पर, मतलब अच्छी इमेज क्वालिटी आपको सेल्फी में मिलने वाली है। साथ ही साथ बैक में भी 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज में बाकी जो 10 और वगैरह हैं Xiaomi है ये सब आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो भी 13 मेगापिक्सल का कराते हैं। तो ऑन पेपर यहाँ पर जो रियर कैमरा का मेगापिक्सल काउंट है वो 13 मेगापिक्सल है, और फ्रंट में यहाँ पर इस फ़ोन में इन्फिनिक्स नॉट S3 में आपको ज़्यादा कैमरा जो है मेगापिक्सल देखने को मिलता है, यानी कि जो फ़ोन है वो आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल के साथ। तो यहाँ पर डेफिनेटली 10 और वगैरह में ये नहीं मिलता है, तो यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं बाकी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है और फ्रंट कैमरा में सारा फोकस कर दिया गया है। तो 10 और D वगैरह आप खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं इस प्राइस रेंज में सेल्फी सेंटर स्मार्टफोन तो बेशक यार ये डेफिनेटली आपके लिए है। और आपको यार इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को यार लाइक कर देना, आई होप वीडियो पसंद आई होगा। अगर आप इन खामियों को याद रख के जो है आगे स्मार्टफोन को खरीदेंगे आप डिसाइड कर पाएंगे जो फ़ोन आपको खरीदना है या नहीं। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना यार, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिले दबाने से मेरे चैनल सब्सक्राइब हो, साथ ही बराबर में लिखा एक बेल आइकन दबाने से हो गई, जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे।
क्योंकि मैं आपके लिए यार लेके आता रहता हूँ डेली टेक रिलेटेड वीडियोस और टेक रिलेटेड न्यूज। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बिल्कुल यार रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।